नमस्कार, मैं जीवानाज आज आपको फ्लावरिंग बल्ब्स की खूबसूरत दुनिया में ले चलूंगी। इंडिया या इंडियन सब कॉन्टिनेंट में लगने वाले कॉमन फ्लावरिंग बल्ब, उनकी केयर, कैसे फूल आएंगे, सब कुछ जानने के लिए इस शॉर्ट वीडियो को पूरा देखिए। और अगर रिमिस गार्डन चैनल पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब का बटन भी दबा लें, क्योंकि ऐसी वीडियो आपको कहीं और नहीं मिलेगी। ट्यूलिप भारत में सभी जगह नहीं लग सकते, मगर ठंडी जगहों जैसे शिमला, ऊटी, कश्मीर, सोलन जैसी जगह में ये खूब खिलते हैं। इनके उगने के लिए सर्द रातें जरूरी हैं। ट्यूलिप के फूल कई सारे खूबसूरत रंग जैसे लाल, पीला, गुलाबी, सफ़ेद आदि में खिलते हैं। आप इनके बल्ब ऑनलाइन खरीद सकते हैं। भारत में ये अक्टूबर से दिसंबर तक लगते हैं। पौधे से पौधे के बीच 15 सेंटीमीटर की दूरी रखें और हर महीने जैविक खाद दें तो खूब आएंगे फूल। सैफ्रन या केसर खासतौर से कश्मीर की हसीन वादियों में खिलने वाले दुनिया के सबसे कीमती मसालों में से हैं, जो सिर्फ कंद या बल्ब से लगते हैं। इनका वैज्ञानिक नाम क्रोकस सैटिवस है। केसर के फूल नीले रंग के होते हैं, इनका और कोई रंग नहीं होता। देखने में यह रेन लिली जैसे दिखते हैं। ये सिर्फ बर्फबारी वाले इलाकों में ही हो सकते हैं। इन्हें फूल के मध्य धागे जैसी संरचना में खिलने वाले स्टाइल और स्टिग्मा से प्राप्त किया जाता है। गहरे लाल रंग के केसर स्टिग्मा होते हैं और पीले धागे स्टाइल होते हैं, जो पुअर क्वालिटी केसर में मिलाए जाते हैं। रेन लिली या ज़ेफ्राइंथस के नाजुक पौधे बीज और कंद दोनों से लगते हैं। यह शाक कुल का पौधा है और इनकी लहसुन जैसी कंद होती है। इनके फूल लाल, गुलाबी, पीला, सफेद आदि कई रंगों में होते हैं। फूल एक दिन ही रहते हैं, मगर रोजाना ढेर सारे खिलते हैं। ये बहुत आकर्षक होते हैं और रोज हल्की वाटरिंग करें तो काफी अच्छी ब्लूमिंग होती है। हल्की गोबर की खाद डाली जाती है। इनमें और कोई खास देखभाल नहीं चाहिए। डाहलिया या डालिया सीजनल फ्लावर में सबसे बेहतरीन माने जाते हैं। इनका पौधा कंद, राइजोम, बीज और कटिंग सभी से लगते हैं, मगर हम आज कंद की बात करेंगे। ये फूल लाल, पीला, मरून, मोज़ेक, सफेद सभी रंग के और काफी बड़े आकार के होते हैं। इसकी 150 से ज्यादा किस्में हैं। इन फूलों को रिच ऑर्गेनिक सॉइल चाहिए। आप चाहे कंपोस्ट डालें या दूसरी खाद, मगर पॉट को वेल ड्रेन रखें तो ये लॉन्ग लास्टिंग फ्लावर है। फायरबॉल और फुटबॉल लिली, इनका बोटैनिकल नाम स्केडॉक्सिस मल्टीफ्लोरस है। ये भी कण से लगने वाले फूलों में कुछ खास है। इन फूलों का रंग लाल होता है। हाँ, लाल रंग में आपको वेरिएशंस मिल सकते हैं, जैसे गहरे लाल, हल्का लाल, गहरा नारंगी आदि होता है। इन्हें मैन्योर वाली मिट्टी में जाड़ों के अंत में लगाएं तो वसंत और गर्मी में खूब खिलते हैं। पॉट को वेल ड्रेन रखिए। सीधे जमीन में लगाएंगे तो ये सदा के लिए आपके यहाँ रहेंगे। ट्यूबरोज या रजनीगंधा या पॉलिएंथस ट्यूबरोसा अपनी बेहतरीन खुशबू और लॉन्ग लास्टिंग क्वालिटी के लिए मशहूर है। ये कंद से लगते हैं और कट फ्लावर के तौर पर खास मशहूर है। रजनीगंधा के फूल अक्सर सफेद रंग के लंबी डंडियों पर खिलते हैं। आजकल इनमें भी रंग देखने को मिल जाते हैं, पर ज्यादा वैरायटी नहीं है। 20 से 32 डिग्री सेल्सियस का तापमान इनके लिए अच्छा होता है। यह खाद वाली सैंडी लोमी सॉइल में अच्छे ग्रो करते हैं और गर्म आर्द्र मौसम इन्हें पसंद है। पानी इन्हें रोजाना चाहिए। ओरिएंटल लिली या एमराइलिस लिली की सबसे पॉपुलर वैरायटी है। इनके फूल आकार में काफी बड़े और खूबसूरत होते हैं। फूल लंबी फ्लोरल स्पाइक पर आते हैं और ये बल्ब से लगते हैं। हालांकि सीड भी आते हैं और सीड से अच्छे पौधे भी उगते हैं, पर आमतौर से बल्ब से लगाई जाती है। फूल कई रंगों में जैसे लाल, पीले, गुलाबी, सफेद आदि होते हैं। आप इन्हें दिसंबर से जून तक लगा सकते हैं। डायरेक्ट सोयल में या जमीन पर लगाने से ये हमेशा के लिए आपसे जुड़े रहेंगे, आपके यहाँ सदा रहेंगे। एलियम
ये दरअसल प्याज ही है। हमारे यहाँ आमतौर से लाल और सफेद दो रंग के प्याज होते हैं और सभी में फूल खिलते हैं। इनके पत्ते, बल्ब और बीज खाने में इस्तेमाल होते हैं। भारत में यह जाड़े में लगते हैं। फूलों का रंग सफेद, नीला, बैंगनी आदि किस्मों के आधार पर होता है। नीले बैंगनी बड़े आकार के फूल खाने वाली प्याज में नहीं आते। इन्हें आप बीज या कंद दोनों से लगा सकते हैं, जो आपको ऑनलाइन भी मिल जाएंगे। सैंडी लोमी सॉइल वाले वेल डेंट पॉट में लगाएं। कंपोस्ट इनके लिए अच्छी होगी। दोस्तों, बल्ब से लगने वाले फूल हर साल खुद ही खिलकर आपको चमत्कृत करते हैं। आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और हाँ, लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। बाय बाय एंड टेक केयर।